मणिपुर में हुई कांड को लेकर आज आप लोग जदयू के कई सांसद पहुंचे हैं मणिपुर, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, मणिपुर में जो भी घटना घटी है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, विभत्स है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ दिखता है कि लोकतंत्र वहां समाप्त हो चुका है, सरकार का इकबाल नहीं है। और अगर इस तरह की घटना घटती है ऐसे तो देश के किसी भी कोने में अगर बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो बेटियां देश की हैं, सिर्फ मणिपुर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश की नहीं है। लेकिन सरकार सोई हुई है, प्रधानमंत्री जी लगातार विदेश यात्राओं में हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास वक्त है उनके महिमा मंडन का, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि देश की संसद में उस पर चर्चा हो सके अनलिमिटेड समय के लिए। तो वस्तुस्थिति क्या है, विपक्ष के लोगों का दायित्व बनता है कि मणिपुर जाएं, वस्तुस्थिति का आकलन करें, सरकार पर दबाव बनाए कि कार्रवाई सुनिश्चित हो सके और स्थितियां नियंत्रित हो जाए, वरना ये जो देश है वो विपक्ष के लोगों को भी कभी माफ़ नहीं करेगा कि मणिपुर जलता रहा और विपक्ष के लोगों ने अपने दायित्व को नहीं निभाया। तो विपक्ष के लोग वहाँ जा रहे हैं और हमें लगता है कि सरकार पर और दबाव बनेगा ताकि कार्रवाई सुनिश्चित हो सके और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन बिहार में भी तो कांड हो रही है लगातार, आपने बिहार में जहाँ भी मसला देखा है वहाँ किसी के दबाव देने से पहले ही सरकार चाक चौबंदी के साथ FIR दर्ज करती है, लोगों की गिरफ्तारी होती है, सुनिश्चित किया जाता है कि स्थितियाँ नियंत्रित हों और जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो ना बिगड़े। लेकिन मणिपुर लगभग 2.5 महीनों से ज़्यादा का समय बीत चुका है, जल रहा है और तब से सरकार वहाँ सोई हुई है। कटिहार की घटना में बोल रही है बीजेपी की जदयू का साजिश है, तो नाम बताएं ना। आज तक तो हमने यही देखा है कि जब भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता सामने आई। आपको सासाराम की घटना याद होगी, बिहार शरीफ की घटना याद होगी, सांप्रदायिक सौहार्द रामनवमी में बिगाड़ा गया था, किन लोगों की संलिप्तता थी, कौन लोग ढोल पीट रहे थे, सब कुछ हर किसी के सामने। बिहार में फिर से क्या जंगल राज आ गई है? ये तो भारतीय जनता पार्टी जो चश्मा पहनती है उसको जंगल राज ही दिखाई पड़ेगा ना, क्योंकि उनका नज़रिया ही वही है। बिहार में कानून का राज था, है और आगे भी रहेगा। कहा जा रहा है कि जब से नीतीश और तेजस्वी एक हुए हैं काफ़ी टेंशन में रह रहे हैं, क्या सही बात है? हाँ सही बात है, टेंशन में तो रह ही रहे हैं, लेकिन कौन, भारतीय जनता पार्टी के लोग। लाइन तो कंप्लीट कर लेने दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, दुविधा में हैं, सत्ता से बाहर हो चुके हैं, लेकिन सत्ता विलाप आज तक बंद नहीं हुआ है। लगातार आप लोग बैठक पर बैठक कर रहे हैं, तो इस पे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो उनका कई विधायक कई मंत्री हमारे संपर्क में है तो अच्छा है, ले जाए। अगर उनके संपर्क में होते ही तो मीडिया में थोड़ी कह रहे होते, ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे दिया होता। असल में इनका कमल जो कीचड़ में है मुरझा चुका है। सीट शेयरिंग कब तक होगी? सही समय पर हर सही फैसला लिया जाएगा और महागठबंधन के वरिष्ठ नेता इसको लेकर तय करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।